मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों जितना किया जाए। वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें स्वतंत्र अधिकार दिए जाएं और यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सिंगरौली में मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा राज्य सरकार से 2018 में लिखित समझौता हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने समझौते का अनुपालन नहीं किया, जिस वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। हमने अपनी मांगों में यह लिखा है कि वन विभाग के कर्मचारियों को राजस्व और पुलिस विभाग के समान वेतन मिले। राजनीतिक संरक्षण की वजह से वन माफिया ताकतवर हो गए हैं, उनकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिले। वहीं वन कर्मचारियों का कहना है कि लंबित 20 सूत्री मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो कर्मचारी संघ 20 सूत्री मांगों की समस्याओं को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगा और यदि आंदोलन के बाद भी मांगों को नहीं माना गया तो संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। हमारी राज्य शासन है लिखित समझौता 2018 में हुआ था, जिसका अक्षरशः पालन न करके शासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मेरा वन कर्मचारी संघ, रेंजर से संघ, लिपिक वर्ग, सभी संगठनों से मिल करके हम लोगों ने शासन को अल्टीमेटम दिया है। आज प्रथम चरण है, प्रथम चरण में पूरे जिलों में प्रदेश स्तर में ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसके बाद अगले चरण में, दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में माननीय विधायक और सांसदों को ज्ञापन है। इसके बाद तीसरे चरण में भोपाल में आंदोलन है और 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।